बेटा आपका फर्स्ट चैप्टर है वैनिटी इज अ हॉरिड वाइस क्लास सिक्स। बेटा वैनिटी इज अ हॉरिड वाइस का मीन्स है गर्व या घमंड एक भयंकर पाप या चरित्रहीनता होती है। मैं एक बार फिर रिपीट करता हूं, वैनिटी इज अ हॉरिड वाइस डेट्स मीन इट्स गर्व या घमंड एक भयंकर पाप या चरित्रहीनता होती है। नाउ अब मैं इस चैप्टर की आपको सबसे पहले मीनिंग्स लिखाएंगे, तो आप बेटा देख रहे हो आप जैसा कि इस वीडियो में आपका फर्स्ट लेसन है वैनिटी इज अ हॉरिड वाइस जिसका मीन मैंने बता ही दिया आपको, जिसमें आपकी फर्स्ट स्पेलिंग है बेटा पर्च्ड PERCHED पर्च्ड मीन्स बेटा होता है बैठा हुआ। सेकंड मीनिंग स्पेलिंग है आपकी लिम्ब LIMB लिम्ब मीन्स बेटा होता है शाखा या पंखुड़ी। थर्ड स्पेलिंग है बेटा मोर्सल MORSEL मोर्सल मीन्स बेटा होता है निवाला। फोर्थ मीनिंग है बेटा स्पाइड स्पेलिंग है SPIED स्पाइड मीन्स होता है बेटा जासूसी करना। फिफ्थ स्पेलिंग है बेटा फ्लैटरी FLATERY फ्लैटरी मीन्स बेटा होता है खुशामद। सिक्स मीनिंग है बेटा वैनिटी मीन्स बेटा होता है गर्व या घमंड स्पेलिंग बेटा है VANITY। सेवेंथ बेटा है आपकी हॉरिड HORRID हॉरिड मीन्स बेटा होता है डरावना या भयानक। एट्थ मीनिंग बेटा वाइस मीन्स बेटा होता है पाप या चरित्रहीनता स्पेलिंग है VICE। फिर आपकी बेटा नेक्स्ट मीनिंग इज नाइन नंबर पर सीक मीन्स बेटा होता है तलाश करना। टेंथ नंबर पर बेटा है आपका स्पेलिंग एडमायर स्पेलिंग है बेटा ADMIRE आई रिपीट अगेन ADMIRE एडमायर मीन्स बेटा होता है प्रशंसा करना। इलेवेंथ नंबर पर बेटा है आपकी जोक स्पेलिंग है JOKE जोक मीन्स मजाक या मजाक करना। बेटा वो मजाक के जस्ट आफ्टर जो वर्ड्स लिखे हैं वो कटे हुए हैं, नीचे लिखा है सेकंड टाइम मजाक करना। ट्वेल्थ नंबर बेटा फेदर्स FEATHERS फेदर्स मीन्स बेटा होता है पंख। एंड थर्टींथ नंबर पर है बीक बेटा बीक की स्पेलिंग है BEAK आई रिपीट अगेन यू BEAK बीक मीन्स बेटा होता है चोंच। अब बेटा मैं इस लेसन के आपको ट्रू एंड फॉल्स करवा रहा हूं, देखते हैं। बेटा लिखा है से वेदर द गिवन स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। बेटा फर्स्ट है आपका इफ द पॉल वुड सिंग द वर्ड्स ऑफ द जंगल वुड कॉल हिम द किंग। बेटा डेट्स स्टेटमेंट्स इज करेक्ट यानी ट्रू। एंड सेकंड स्टेटमेंट है द पॉल वाज सिटिंग ऑन अ रूफ डेट्स स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट सो फॉल्स। एंड थर्ड स्टेटमेंट द फॉक्स रियल इंटेंशन वाज टू एजुकेट द पॉल अबाउट द वाइस ऑफ वैनिटी डेट्स स्टेटमेंट इज ट्रू। आई रिपीट अगेन यू द फॉक्स रियल इंटेंशन वाज टू एजुकेट द पॉल अबाउट द वाइस ऑफ वैनिटी दैट स्टेटमेंट इज करेक्ट एंड ट्रू। एंड फोर्थ स्टेटमेंट द फॉक्स स्टार्ट्स हिज फ्लैटरी
by praising the Paul's appearance. So that statement is true. And fifth statement is the Paul's voice was melodious. I repeat again, the Paul's voice was melodious, and that statement is false. And now be aapka hai beta, complete the following lines. Beta aapko se chapter ke according, yani ki chapter ko read kare, and usme jo fill up lines hai ya stanza hai use aap khud chapter read karne ka complete kar sakte hain. And now see aapka hai answer the given question. Beta first question hai aapka, फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, व्हाई डू यू थिंक द फॉक्स प्रीच मोरल प्रिंसिपल्स टू द पॉल इंस्टीट्यूट ऑफ जस्ट रनिंग अवे विद द मोर्सल. आई रिपीट अगेन यू, व्हाई डू यू थिंक द फॉक्स प्रीच मोरल प्रिंसिपल्स टू द पॉल इंस्टीट्यूट ऑफ जस्ट रनिंग अवे द विद द मोर्सल. एंड आंसर, because after getting the morsel, instead of just running away with the morsel, that vanity is a horrid vice. Repeat again, because after getting the morsel, instead of just running away with the morsel, that vanity is a horrid vice. And now second question, what quality of the Paul's character made him open his mouth to sing? And repeat again, what quality of the Paul's character made him open his mouth to sing? And now answer, Raven was a foolish bird. Who got flattered by opening his mouth to sing? And now, last question. Question number third, I am sure the lesson is worth the price. What was the lesson and what was the price? I am sure the lesson is worth the price. What was the lesson and what was the price? And answer, the lesson was that vanity is very horrid vice. Comma laga beta fir. The morsel, why raven to the fox. Beta aapka ye chapter first English ka complete ho gaya hai. Ab hum aapko next day, angle video mein aapko next chapter complete karayenge. Tab tak ke liye bye. Thank you. Have a nice day.